Subscribe and click the bell icon for all the television updates. हम लोग हवन करते ही रहते हैं, आप लोग भी आती रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग मिलके हवन करते हैं, बैठते हैं, बहुत पॉजिटिव माहौल है ही हमारे सर का, आई थिंक और पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा है कि हर साल की तरह हम लोग सब साथ में जब मेहनत करते काम करते तो एक त्यौहार आता है जिस दिन सारी यूनिट साथ में प्रे करती है और ऊपर वाले को थैंक यू बोलती है, और आज धनतेरस का बहुत पावन दिन है तो अच्छा लगता है कि सारी यूनिट ने साथ में प्रे किया। और बहुत अच्छा लगता है हमें, मुझे 700 एपिसोड्स हो गए हैं तो सोचिए मुझे कितनी खुशी है। तो जब शो को 10 साल, मतलब 10 साल पूरे हो गए तो सर कितने खुश होंगे, सभी लोग कितने खुश होंगे जो 10 साल से पहले दिन से लेकर आज तक इस शो का हिस्सा है। मैं ये कहूँगा कि जब साथ में हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबकी तरक्की होनी चाहिए। पीपल शुड वर्क टुगेदर, और वही पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग काम करें। इसलिए आज हमने हवन भी किया है कि बहुत ज़रूरी है कि मेहनत के साथ साथ लोग बड़े दिल से और खुशी खुशी काम करें और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हमारे पर हमेशा रहे तो अच्छा लगता है। दिवाली की बात की जाए, क्या कुछ गिफ्ट मिलने वाले आपके व्यूअर्स को इस बार दिवाली की? ये बार तो थोड़ा घर में टेंशन चल रही है, और अभी जैसे ट्रैक चल रहा है जो आई थिंक ये ट्रैक से बहुत लोगों को सीख मिलेगी जो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत करेक्ट वक्त पे आ रहा है दिवाली के समय में जब घर में बहुत क्या है टेंशन चल रही है। मगर कार्तिक नायरा की जो जर्नी रहेगी, जो रहेगी कैसे परिवार को साथ में रखना, और अभी जैसे वो सामर्थ की भी एंट्री हुई है और एक अलग एक राज खुलने वाला है बहुत जल्दी जो कार्तिक नायरा के थ्रू पता चलेगा हमें। मैं शूट करती हूँ और बड़ी दिवाली के दिन जितनी छुट्टी होती है इस दिन घर पे भी मम्मा के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मा अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं, हम वो खाते हैं। मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत खाती हूँ और मीठा मुझे पसंद है इसलिए हम वो खाते हैं और क्रैकर्स बंद नहीं करते। आई थिंक आप सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ क्रैकर्स मत बंद कीजिए, उससे बहुत पोल्यूशन होता है। और अपने सभी यू नो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। 10 साल जब एक शो मोर देन 2750 एपिसोड्स करता है तो उस पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, फिर नंबर 1, ये बहुत लंबी जर्नी रही है। ये रिश्ता ने कंसिस्टेंटली अपना डिलीवर किया है, और नॉट ओनली इंडिया बट आप विदेश में जाइए तो बहुत लोकप्रिय है। अभी जी हाँ, अभी मैं लंदन गई थी और वहाँ पे वहाँ की यू नो ऑडियंस का इतना प्यार देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि यू नो सब इतने साल से, वो लोग भी इतने साल से हमारा शो फॉलो कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब यू नो आपको पता चलता है कि आप लोग, आपको ये लोग इतना प्यार करते हैं, और किसी विदेश में जाके जब ऐसा लगता है तो आई थिंक वो और थोड़ा स्पेशल हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है सुमन की एंट्री से? देखिए ये ट्रैक जो है ये कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं कार्तिक नायरा की, अपने बहुत लड़ाई झगड़े चलते हैं, कभी सेपरेशन होता है, डाइवोर्स तक हो गया, बट उससे एक सीख मिली और ये बहुत ज़रूरी था कि हम ऐसे थॉट्स और ट्रैक्स लेके आ रहे हैं जहाँ पर वो खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी एक समझ मिलती है इससे। तो ये जो हर परिवार में जो प्रॉब्लम्स चलती है, कोई ना कोई एक हमारा रिश्तेदार होता है जो हमसे नाराज़ रहता है, कुछ दूरियां होती है, अपनों की अपनों से नाराज़गी रहती है, तो ये कार्तिक नायरा की एक नई जर्नी है जब वो एक अपने परिवार को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, रियलाइज़ करेंगे कि हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम तो अलग है, वो हमने सीख ली अपनी कि हमको साथ में रहना है, बट अपनों को कैसे साथ में रखना है, एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। उसमें एक ट्विस्ट भी है, टर्न भी है, भैया आने वाले एपिसोड में पूरा खुलासा होगा कि क्या है, क्यों कोई आया है इस घर के अंदर, क्या होने वाला है, क्या धमाके होने वाले, वो कार्तिक नायरा प्रूव करेंगे, और समर्थ क्या क्या करने वाला भी पता चलेगा। आई एम एंजॉइंग अ लॉट। एक्चुअली मुझे काम करना था राजन सर के साथ, बिगनिंग करनी थी अपने एक्टिंग करियर की, तो मैंने कहा मुझे रावण बनाओ, राम बनाओ, कुछ भी बनाओ पर ले आओ अपने साथ, एंड फाइनली आई केम हियर एंड कार्तिक नायरा के साथ अपना करियर शुरू करना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो जैसे सबको सुधार के सीधा कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं इंसान को, तो आई थिंक मेरे साथ भी वही करेंगे कार्तिक नायरा के साथ। मेरी भी न्यू जर्नी हुई है एक्चुअली, तो अच्छा लगता है।